हाँ ये सारी ट्रेनें शिमला वाली हैं, ये लगी है यहाँ पे। आने का पटरी की साइज देखो कितना छोटा है। ट्रेन कब शुरू हुई कब ख़त्म होगी पता ही नहीं चला। एंड अभी देखो दो मिनट में कितनी फॉग हो गई यहाँ पे। हमारे पास 6:20 का है ना, 6:20 की टिकट है ना, तो 6:20 वाली ट्राई करेंगे। वो तो है ही है ना ऑप्शन हमारे पास। टाइम हो रहा है 5:38 एंड आपको बताऊँ कि हम कहाँ पर। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा जाके चेकआउट करो, फिर आपको पता चलेगा कहाँ पर। फिलहाल मैं आपको बता दूँ हम हैं अभी कालका रेलवे स्टेशन में। जी हाँ कालका में है टॉय ट्रेन के लिए, तो स्पेशली इस ट्रेन को हम कवर करने आए थे। एंड ये लगा एक डब्बा कालका एक्सप्रेस का। एंड एक बार पटरी देखो, पटरी का साइज़ देखो कितनी सी है। सो ये नैरो गेज की ट्रेन जो कि जिसकी पटरी का साइज़ है सिर्फ 2 फीट 6 इंच का। एंड इस ट्रेन में ज़्यादा डब्बे भी नहीं होते हैं, केवल 3-4 डब्बे ही होंगे एंड छोटा सा इंजन होता है। ठीक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये जो नैरो गेज की ट्रेन है ये चलती है कालका से लेके शिमला तक। ट्रेन जर्नी है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है, इस करके हम स्पेशली इसी ट्रेन को कवर करने के लिए आए हैं। आज जाएंगे और कल हमारा रिटर्न का, तो स्पेशली कह लो कि यही ट्रेन हम कवर करने आए हैं। फिलहाल अभी मेरी तो ट्रेन की टिकट कन्फर्म थी जैसे कि मैंने आपको बताया, बट राघव भाई की टिकट कन्फर्म नहीं थी और हम पहुँच भी 5 बजे गए थे, तो इसलिए हमने अभी प्लेटफॉर्म से एक जनरल टिकट लिया ताकि हम किसी भी ट्रेन में बैठ सकें। एंड टीटी के साथ आपको पता है इंडिया जुगाड़ पे चलता है, एंड टीटी के साथ हम सेटिंग वगैरह देखते हैं, अगर हो पाती है तो करेंगे। और 5:20 का हमने लिया टिकट तो उसमें चले जाएंगे। फिलहाल अभी नहीं जाएंगे, अभी भी जा रही है एक जो कि 5:45 पे निकल जाएगी, तो उस पर नहीं जा रहे क्योंकि अंधेरा भाई, कवर भी करना है रास्ता, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। 6:20 वाले में हम चले जाएंगे, तब तक रोशनी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। कालका शिमला रेलवे है, ये एक नैरो गेज की ट्रेन है जो कि है केवल 2 फीट और 6 इंच के इसका ट्रैक है, और ये सबसे खूबसूरत वादियों से, माउंटेन से होके, नज़ारों से होके निकलती है ये ट्रेन। तो ये ट्रेन है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया था 1898 में, इसका काम शुरू हुआ था 1903 में, ये प्रॉपर ट्रैक बन के तैयार हो गया था। जैसे हमारे जम्मू में सेक्रेट 6 महीने जम्मू रहता है और 6 महीने श्रीनगर, वैसे ही पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 6 महीने कलकत्ता में रहती थी और 6 महीने शिमला में। तो शिमला में उनको कवर करने में, बैल घोड़ों पे जाते थे तो कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इस करके उन्होंने ये वाला ट्रैक जो है पर्टिकुलर बिल्ड किया था। बट अब देखो इंडिया यूज़ कर रहा है इसको। जो जर्नी है ये पूरी 96 किलोमीटर की होने वाली है कालका टू शिमला की, एंड जो टाइम लगने वाला है वो पूरा 5 घंटे का टाइम लगने वाला है ये पूरी जर्नी कवर करने में। इस पूरी जर्नी में 103 टनल्स और 963 ब्रिजेस देखने को मिलेंगे आपको, यानी कि 5 घंटे की जर्नी में 100 टनल्स और 960 ब्रिजेस कवर करेगी ये ट्रेन। जो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो 25 से 30 किलोमीटर की है, ज़्यादा नहीं है, बट चलो आराम आराम से जाएगी तो हम नज़ारों को और ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। एंड बर्फ़ पड़नी चाहिए, बस बर्फ़ पड़ गई ना अगर, सो भाई मज़ा आ जाएगा, पूरा जो स्विट्ज़रलैंड वाला फील है ना वो हम इधर इंडिया में रह के ले लेंगे। सो देखते हैं अब कैसा रहता है। अभी एक ट्रेन निकलने वाली है, दूसरी का हम 6:20 वाली में जाएंगे, अंधेरे अंधेरे में नहीं जाएंगे, दिन दिन को जाएंगे। ये भी खाली थी पता आपको, बीच में सीटें इसकी। भाई का कहना है अगर स्नोफॉल हो जाए ना तो ये वाला ट्रिप भी सफल हो जाए। वैसे मैंने इस 15 दिन के अंदर ना बड़ी ज़्यादा स्नोफॉल देख ली है, बट ये जर्नी स्नोफॉल में करने का मज़ा है जब बीच में से ट्रेन जाएगी और दोनों साइडों पे स्नो ही स्नो होगी। गुआड़ लगा के हो गया काम हमारा। एंड ये सीटें हैं बाहर, आपको बताते हैं अभी कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो राइट साइड की विंडो सीट और क्या चाहिए, एक ही बैकवर्ड पॉइंट है, लेग स्पेस नहीं है, दो बंदे इधर बैठेंगे दो इस साइड बैठेंगे। एंड लेग स्पेस देखो कितनी सी।
शिमला वाला है ना, जैसे हमारा उधमपुर वाला हाईवे वैसा ही लग रहा है। ये तीखा मोड़ है। गाड़ी सावधानी से चलाए। आगे तीखा मोड़ आ गया। कोई व्यूज के ही पैसे हैं भाई। हाँ जी, नीचे कालका शिमला हाईवे। नहीं रुकी भाई, इधर नहीं रुकी। तो स्टेशन आ गया जहाँ पे लोग दिख रहे हैं, जहाँ पे लोग चढ़ेंगे। कौन सा स्टेशन है? धर्मपुर स्टेशन, पहला हॉल। बाकी अभी पहला स्टॉप लिया इसने धर्मपुर। टाइम क्या होगा? 7:54 पहला स्टॉप धर्मपुर हिमाचल प्रदेश। 5 मिनट के हॉल के बाद ये निकल गई है यहाँ से धर्मपुर स्टेशन। अब देखते हैं अगला कौन सा स्टेशन आता है। फिलहाल देख लो यहाँ पे क्या, 10-15 सेकंड ही रुकी बस। ये हॉल्ट नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे ही रुकी होगी यहाँ पे। 10-15 सेकंड ही रुकी यहाँ पे। यही थी सबसे लॉन्गेस्ट सफर जो अभी गई, ये वाली कैरॉक। क्या क्या लिया? दो चाय, एक ऑरेंज। ऑरेंज जूस का तो वो लेना, कोल्ड ड्रिंक भैया नहीं, वो नहीं, एक बोतल ला ला। क्या चलिए चाय पेड़ से। इस स्टेशन पे ठीक ठाक रश है। सोलन ये आधा रास्ता कवर किया, आधा और है तो अभी पहुंचे हम सोलन। तो ये सोलन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे मौसम ठंडा भाई, तब से अभी ठंड लग रही है यहाँ पे। सुबह से नहीं लगी बट अब लग रही है। Oh
बाद शिमला स्टेशन से आ पहुँच गए भाई शिमला। फाइनली शिमला पहुंच गए, 6 बजे वहां से चली थी और अभी टाइम हो रहा है 11:45, यानी कि पूरे 5.25 घंटे लगे इसको कालका से शिमला तक आने के लिए। एंड अभी चलते हैं, देखते हैं कहां चलेंगे, पहले बाहर निकलते हैं स्टेशन से। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था हमारे, मेरे लिए क्या दोनों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था ट्रेन जर्नी का। टाइम टेकन था बट ठीक था। जिस ट्रेन की टिकट कंफर्म थी ना और राघव भाई की वेटिंग थी वो भी कंफर्म हो गई, राघव भाई की भी कंफर्म होगी, 35 वेटिंग थी फिर भी कंफर्म होगी, बट रीशेड्यूल होगी। वो 12:10 पे निकलनी थी वहाँ से कालका से, बट अब वो 4:15 निकल रही है कालका से। तो अच्छा हुआ हम इसमें आ गए, नहीं तो अंधेरे में क्या करते आके। तो रिफंड के तो पैसे मिले नहीं, मैंने अपनी रिफंड टिकट कैंसिल करवाई तो उसका रिफंड कितना आया, 75 रुपीज़ आया, 300 की टिकट थी 75 रुपये रिफंड आया। एंड जो राघव भाई थी उसमें कोई रिफंड नहीं मिला हमें। सो अभी चलते हैं बाहर, मॉल रोड घूमेंगे फिर उसके बाद सीधा होटल चल जाएंगे, क्योंकि शिमला पहले भी देखा हुआ है बार बार देखना क्या, अब सीधा होटल में चलेंगे। होटल भी हमने कहीं दूर लिया, मशोबरा में होटल लिया हुआ है। सो देखते हैं क्या बनता है, अभी चलते हैं मॉल रोड की तरफ और खाएंगे भी कुछ, अभी खाया नहीं है सुबह से कुछ भी। हम कालका शिमला मेल एक्सप्रेस, एंड मेरी थी हिमालयन ग्रीन की ट्रेन जो कि 12:10 से निकलनी थी बट रीशेड्यूल हो गई। वो स्नो का कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा बाहर। एंड स्टेशन काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है ना, सफाई थी। चलो कल फिर से यहीं पे आना है अभी चलते हैं बाहर। ये वीडियो इसमें इस पे होने वाली है, देखो कितनी सी है ये बस की तरह। एंड कल हम इस पे जर्नी करने वाले हैं, इसमें दोनों की टिकटें कन्फर्म है। सो ये इतनी सी है छोटी सी।